Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. आज हम स्टोरी रीड करने जा रहे हैं. हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं लाइव में, साथ में वो भी प्रैक्टिस करेंगे और उनको भी अल्फाजों की प्रैक्टिस. और आप भी सुनिएगा, जहाँ पे कोई आप लोगों की रीडिंग में मसला बनता है वो भी हल हो जाएगा. आप भी साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा. इसमें पहले हम वर्ड्स पढ़ेंगे जो स्टोरी में इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर हम स्टोरी को रीड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अलॉन्ग विद मी देयर आर टू स्टूडेंट्स, दे आर इन लाइव मोड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं लफ्ज़ पढ़ता जाता हूँ, आप लोग भी साथ साथ रिपीट करते जाइएगा. तो पहला लफ्ज़ हमारे पास है अफ्रेड. जी, इसमें आप लोगों ने जो अफ्रेड रीड बोला है, हम लोग इसको अफ्रेड भी बोलते हैं, एफ्रेड भी बोलते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ पे नज़र रखनी है, वो ये कि क्या इंग्लिश का कोई ऐसा वाउल जिसको उसकी प्रोनाउंसिएशन में उसको शवा तो नहीं रिप्लेस कर रहा. यानी शवा एक वो साउंड होता है जो हमें एक उसका असल साउंड की बजाय उसका दूसरा साउंड बताता है कि ये लफ्ज़, ये हर्फ, यानी ए जो है ये ए और ए का साउंड नहीं है, ये ओ का साउंड है. तो हम इस लफ्ज़ को फ्रेट से शुरू करेंगे, ए से शुरू नहीं करेंगे, और ए के बजाय हम इसका थोड़ा सा ओ का साउंड देंगे, यानी अफ्रेट. कैसा? या अफ्रेट. दूसरा लफ्ज जो सिमिलरली जैसे अफ्रेट है, ऐसे अग्री, क्योंकि इसमें जो ए साउंड है वो भी श्वा के नजर हुआ है, तो हम इसको अ यानी अ ग्री ग्री ग्री. ओके, या दैट्स ग्रेट. जो नेक्स्ट वर्ड है वो ए, उसका श्वा नहीं है, उसका कोई भी ऐसा वाउल जो नहीं है जो श्वा में हो, तो हम उसको बिला झिझक ए के साउंड में ए के साउंड देंगे, यानी एंग्री. या इससे नेक्स्ट वर्ड भी हमारा जो है वो श्वा की नजर होने जा रहा है, जो ए से शुरू हो रहा है वो ए जो है वो श्वा है, तो हम अह यानी अराइव. या अराइव. और इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसको आप ब्यूटीफाई भी कर पाएंगे और इसको इनहेंस भी कर लेंगे, डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस. तो हम बोलेंगे अराइव अराइव अराइव. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो भी श्वा में, जैसे कि आप देख सकते हैं जो उल्टा ई होता है वो श्वा होता है, तो मतलब ए श्वा को रिप्लेस कर रहा है. तो हम बोलेंगे अटैक अटैक अटैक. ओके, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें दो वाउल हैं, एक वाउल में श्वा नहीं है, दूसरे को जो श्वा का वायरस हो गया, तो हम इसमें जो सेकंड वाला ओ है उसको श्वा में यानी अ के बाद यानी टी ओ एम को टॉम नहीं पढ़ेंगे ना टुम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टम टम, यानी टी के बाद एम बोलना, टम बाडम. और फिर एक और रूल जो मैं काफी दफा बता भी चुका हूँ कि टी जो दोनों वॉल के दरम्यान में आ रहा है तो ये थोड़ा सा डी की आवाज या अड़े की आवाज देगा, यानी टे की आवाज नहीं देगा, ये देगा बाडम बाडम. ओके, दैट्स क्लियर. नेक्स्ट वर्ड में हमारा क्लै, ठीक है, और ये वेर नहीं है, ये है वह, क्लेवा. या ये जो ई का सैम्बल बना हुआ है सीधा ई का, ये ए की आवाज देता है, यानी ई में जो ए की आवाज है ना, क्लै क्लै, यानी ये उसके लिए क्लै, और दूसरा जो ई है वो अ का साउंड है क्योंकि उसमें श्वा आ रहा है, सो क्लेवा. नेक्स्ट वर्ड सही है, उसमें जो यू है वो तो नेचुरल साउंड है, बट जो ई है वो श्वा है, तो हम क्रू बोल के अह बोलेंगे, क्रूअल क्रूअल. जो कि हमारे पास है फाइनली, यानी हम इसको फाइनली क्यों बोलेंगे, उसकी रीजन क्या है, क्या मुझे बता सकती हैं? जी ओके, जो आ है वो श्वा ही है, जो ए है वो रिप्लेस कर रहा है श्वा को, यानी फाइनली नहीं बोलना, फाइनल भी नहीं बोलना, हमने एन के बाद एल का साउंड देना और ए के बजाय हमने श्वा साउंड, फाइनली फाइनली, यानी ओ फाइनली. ओके, दैट्स ग्रेट वंडरफुल. अब आप लोग एक एक दफा इन लफ्ज को पढ़िए. अफ्रेड
Fate. Agree. Agree. Angry. 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 Arrive. Arrive. Attack. Attack. Bottom. Bottom. Clever. 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 Cruel. 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 Finally. 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 Wonderful. Now let's proceed to the second slide. Next verse that we have over here. इसमें height, hunt. एक इंटरेस्टिंग बात जो आप भी सोच रहे होंगे, मैंने आप लोगों को बताई थी कि एन के बाद जो टी होता है वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है. एन के बाद जो डी होता है वो भी ऑलमोस्ट साइलेंट ही होता है. हम दोनों को नहीं बोलेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि इसको इग्नोर करके डी को या टी को अगला लफ्ज़ उससे मिला दें, यानी लिंक कर दें. डिपेंड करता है, अगर ये लफ्ज़ अकेला हंट लिखा फिर तो बोले, लेकिन अगर लिखा हो हंट द तो फिर हम बोलेंगे हन द. अगर लिखा हो हंट इट तो बोलेंगे हन इट. तो उसमें दो तीन चीजें जब हम इसकी स्टोरी में प्रैक्टिस करें ना, कि हम देखेंगे कि टी के बाद अगला लफ्ज आ रहा है या फुल स्टॉप है, तो फिर उसके मुताबिक हम टी को या डी को नहीं बोलेंगे, हंट को हन बोलेंगे. यही चीज ओके जो टी आखिर में लॉट का आता है, बट का आता है, हट का, हिट का, नट का, सेट का, फिट का, उसमें भी इतनी गुंजाइश होती है कि हम आखिर वाला टी नहीं बोलेंगे. और उसकी सिमिलरिटी क्या है, पहचान, डिस्टिंक्शन कुछ यूं है कि तीन लफ्ज़ होंगे वो, जैसे एल ओ टी, और दरम्यान में कोई ना कोई वाउल होगा, जैसे बट में यू आ रहा है, हट में यू आ रहा है, हिट में आई आ रहा है, तो और आखिर में टी पे वो ख़त्म हो रहा, तो वो टी नहीं बोलेंगे. कोई भी ऐसा टी नहीं बोलेंगे जो बट, हट, नट, कट, सेट, वेट, बैट, इस तरह के लफ्ज़ से हो. कोशिश क्या करनी है कि ये नहीं कि खामोश हो जाना, यानी लॉट को लॉ बोल के चुप, उससे अगला लफ्ज़ उसके ऊपर धर देना, उसको जोड़ देना है, यानी हमने उसका ले कर देना, इंस्टॉल कर देना, ले करना लिंक कर देना, या लॉट, जैसे लॉट ऑफ है तो हम बोलेंगे लॉट ऑफ. ओके. और वैसे भी अगर लॉट ऑफ हो तो हम अगर देखें कि वो ओ से शुरू हो रहा है, ऑफ किससे शुरू हो रहा है, ओ से, तो ओके इधर ओके से टी से पहले वॉल है, टी के बाद वॉल, तो डी का साउंड बन गया डे का, लॉर्ड ऑफ. लेकिन इसके अलावा दीगर अगर वॉल से शुरू ना हो रहे हों तो फिर हम उसको लॉट को टी साइलेंट कर देंगे. जैसे नाइस टू मीट यू, जब हम बोलते हैं मीट, लफ्स मीट का तो पता है ना सबको, मीट, एम डबल ई और टी, तो मीट के बाद क्या आ रहा है, यू, ठीक है, तो नाइस टू मीट यू, तो हम इसको मीट का टी साइलेंट करके बोलेंगे नाइस टू मी यू, इसमें टी नहीं बोलेंगे. एनीवे, लॉट को लॉट, और अकेला हो तो लॉट, अगर अकेला ना हो तो लॉ. ओके. अगला लफ्ज पे गौर कीजिए. इसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप सब की, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है. पहले तो हम श्वा को फॉलो करते हैं कि मिडिल में जो डी एल डी एक जो है वो श्वा की नज़र हो रहा है, तो हमने डी के बाद एल का साउंड फौरी तौर पे देना है, मिडिल. या दैट्स ग्रेट. इसमें क्या किया हमने, हमने डी का साउंड जब दे रहे थे तो डी के लिए हमारी जो जबान थी वो ऊपर चली गई, और पूरा डी का प्रनाउंस किए बगैर नीचे जबान को नहीं आने देना, हमने एल को, हमने एल को क्या किया, प्रनाउंस कर देना है. यानी डी को खत्म करने से पहले एल को प्रनाउंस करना, तो लफ्ज क्या बना, मिडल. या दैट्स फाइन, मिडल, मिडल, नो नॉट मिडल, इट्स मिडल. या दैट्स फाइन, मिडल. ओके. नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है उसमें हमारे पास ओ भी श्वा आ रहा है और ई भी श्वा आ रहा है. थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसके, हम पहले मॉम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मॉम, यानी थोड़ा सा वो श्वा के बाद यू की गुंजाइश है कि हम इसको मॉम बोल सकते हैं, तो मोमेंट या मंट, ठीक है. श्वा के बाद यू जैसी अलामत आ जाना हमें थोड़ा सा पेश की हरकत देता है, तो हम बोलेंगे मोमेंट, यानी इसको बिल्कुल मम्मंट नहीं बोल सकते, क्योंकि श्वा तो है ठीक है, मम आ गया, लेकिन आगे यू का थोड़ा सा वो बता रहा है, तो हम बोल सकते हैं
मोमेंट मोमेंट मेंट नहीं, आप मिंट का साउंड नहीं दीजिए, मंट बोलिए, मोमेंट मोमेंट। और अगर टी एन के बाद मोमेंट टी आ रहा है तो टी क्या हो जाएगा, साइलेंट इमिट कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, मोमेंट, मोमेंट जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जस्ट अ मोमेंट प्लीज या नेक्स्ट वर्ड प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज प्रॉमिस, प्लीज रिप्लाई, सेफ। प्रॉमिस ओके दैट्स वंडरफुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आ रहा है हमारे पास एक स्टोरी है जिसको हम रीड करने जा रहे हैं, होपफुली यू विल बी विद मी। इसमें हमने जो पहला लफ्ज़ पढ़ा था वो था क्रूअल, ये हम पढ़ेंगे आ क्रूअल लायन। तो हमें एक बता दे कि ये लफ्ज कैसे प्रोनाउंस करना है। या इसमें आपने क्रूअल लायन बगैर वक्फे के, यानी आपने ये नहीं बोला आ क्रूअल लायन, ऐसा तो नहीं बोला ना, आपने बोला आ क्रूअल लायन। उसकी रीजन ये थी कि जब कभी भी कोई लफ्ज एक ही हरफ से सिमिलरिटी में खत्म हो रहा और सिमिलरिटी से शुरू हो रहा, जैसे क्रूअल एल पे खत्म हो रहा है और लायन एल से शुरू हो रहा है, तो हमने इसको एक ही एल बोला, यानी क्रूअल लायन, यानी इसको हमने लिंक कर दिया, आ क्रूअल लायन लेफ्ट। फिर आगे आप थोड़ा सा लिंकिंग में आ जाइए, यानी इन द फॉरेस्ट को हमने क्या करना है, इन दफ, इतना यानी एक लफ्ज बना दिया, इन दफ रेस्ट, इन दफ, इन द फ्रेस्ट। ओके अ क्रूअल लायन लिव्स इन द फ्रेस्ट, क्रूअल लायन लिव्ड इन द फ्रेस्ट। जी जी बोलिए, क्रूअल लायन लिव्ड इन द फ्रेस्ट। सेकंड बोले, या ओके दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एवरी डे, Every day. Yeah, every day. Every day. Day. Day or die. Day. Die. Every day. He killed and ate a lot of animals. He killed and ate a lot of animals. He killed and ate a lot of animals. He killed and ate. यहाँ पे actually typing में मसला बना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है एट की, ईट एट, ठीक है, यानी ये ईट नहीं है, ये सेकंड फॉर्म में एड। ओके ही किल्ड एंड, यहाँ पे एंड का डी नहीं बोलना, किल्ड एंड एडा लॉट ऑफ एनिमल्स। या द अदर एनिमल्स वर अफ्रेड, were afraid, were afraid, were afraid, जैसे इन द फ्रेस्ट ऐसे were afraid, were afraid, या द अदर एनिमल्स were afraid, फिर आप अगर गौर करें कि नेक्स्ट वर्ड में दैट आ रहा है और फिर दी से शुरू आ रहा है, तो हम इसका टी जो है वो एक मिनट के लिए हटा देते हैं, तो बना दैट द लायन, दैट द लायन, दैट द लायन पूछ खेल देम ऑल, या द अदर एनिमल्स वर अफ्रेड दैट द लायन वो खेल देम ऑल। One day they told the lion, one day they told the lion, very simple, one day they told the lion, one day they told the lion। यहाँ पे आप डी का साउंड दे रहे हैं, डी नहीं बोलना, टोल्ड का डी नहीं, क्योंकि आगे ता जो है वो भी डी का ही साउंड है, तो आप टोल्डा, टोल्डा, ठीक है, told the lion, okay, so let's make a deal, let's make a deal, yeah, let's make a deal, let's
लेट्स मेक अ डियर फिर इफ यू में हमने क्या करना है कि इफ यू का जो एफ है वो वी का आएगा या इव यू। फिर बोलिए। ओके स्टूडेंट नंबर टू बोले। इफ यू प्रॉमिस टू किल ओनली वन एनिमल ईच डे। स्टूडेंट वन अलग बोले और स्टूडेंट टू अलग बोले काइंडली, इसमें फिर वो नॉइस क्रिएट होता है, समझ नहीं आती। स्टूडेंट वन बोले स्टूडेंट टू शाबाश। If you promise to each to kill only one animal each day, then one of us. इसमें क्या साउंड आया? वाना और फिर फस, वन ऑफ अस। देन वन ऑफ अस। अच्छा आगे विल है। इल कम टू यू एवरी डे। अच्छा यहाँ पे गौर करने वाली बात, प्लान सोनेट, मैंने बोला था ना कि हम डी नहीं बोलेंगे एन के बाद, तो वो क्या लफ्ज बना? सोनेट वेल। इसको लिंक किया वेल से, सोनेट वेल, थार्ड आउट, था बोल के आगे हमने डी का साउंड दिया टी, क्योंकि टी यहाँ भी फॉलो कर रही है, ये तो वैसे ही साइलेंट है जी एच, ये भी वॉवल आ रहा है टी के इस साइड पे वॉवल, तो हम यहाँ पे डी बना दिया, डाउट का साउंड बना डाउट, था डाउट। या द प्लान साउंडेड वेल था डाउट टू द लायन। द प्लान साउंडेड वेल था डाउट टू द लायन। The plan sounded well thought out to the lion. Student number two, the plan sounded well thought out to the lion. The plan sounded well thought out to the lion. So he agreed and said. So he agreed and said. यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था agreed and said. So he agreed and said. फिर आ गया लफ्ज़ if. तो इफ में हम वी का साउंड देंगे एवीयू। इफ यू डोंट कम एवरी डे आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट डे। इफ यू डोंट कम एवरी डे आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट डे। स्टूडेंट वन फिर रिपीट कीजिएगा। इफ यू डोंट कम एवरी डे आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट डे। गुड। ईच डे आफ्टर दैट One animal came to the lion so that the lion could eat it. Each day after that, one animal came to the lion so that the lion could eat it. Yeah, यहाँ पे could eat it. Could, ये लफ्ज बना could, फिर ये लिंक के साथ d, फिर ये did. ये did क्यों बना? क्योंकि हमने t का क्या बना दिया? d. क्योंकि दोनों तरफ इतराफ में क्या है? वाउल है, डिट, और लिंक करते हुए हमने क्या करना? आखिरी हर्फ जो है ना अगले को हासिल करना होता है, जैसे खुद का डी ईट को दे दिया और ईट का टी ईट को दे दिया, तो वैसे भी वो डी का बन गया था, खुड ईट इट। ईच डे आफ्टर दैट वन एनिमल केम टू द लायन सो दैट द लायन खुड ईट इट। Each day after that, one animal came to the lion so that the lion could eat it. Shabash. Let's move to the next slide. Then all the other animals were safe. Then all the other animals were safe. Student two. Then all the other animals were safe. Finally. Finally. Finally, it was. Finally, it was. Yeah, यहाँ पे टी साइलेंट किया, it was बोल दिया। Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. Finally, it was
He was the rabbit's turn to go to the lion. The rabbit went very slowly that day. The rabbit went slowly that day. That का टी नहीं पढ़ना और went का टी नहीं पढ़ना. That. The rabbit went slowly that day. The rabbit went slowly that day. So the lion was angry. 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 When the rabbit finally arrived, when the rabbit finally arrived, finally, the lion angrily asked the rabbit. The lion angrily asked the rabbit. यानि यहाँ पे D के बजाय द asked the rabbit. Okay. Why are you late? Why are you late? I was hiding from another lion in the forest. I was hiding from another lion in the forest. In the forest. In the forest. That lion said he was the king, so I was afraid. That lion said he was the king, so I was afraid. That lion said he was the king. That lion said he was the king. Was the king. That lion said he was the king. So I was afraid. I was afraid. That's great. The lion told the rabbit. Okay. I'm the only king here. Repeat again. What? I'm the only king here. Yeah, king here, not king here. Because we have link. I'm the only king here. Okay, I'm the only king here. Yeah, king here, king here. Okay. Take me to that other lion. And I will kill him. The rabbit replied. I'll be happy to show you where he lives. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. Okay, so here the well was very deep. The well was very deep. Was. Was. The well was very deep. The well was very deep. With water at the bottom. यहाँ पे फिर आप टी को डी में शुमार कर रही हैं. At the bottom. At the bottom.
The rabbit told the lion, The rabbit told the lion, Look in there. Look in there. The lion lives at the bottom. The lion lives at the bottom. At the bottom. At the bottom. At the bottom. When the lion looked in the well, When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. He could see his own face in the water. He thought. He thought that. He thought that. Thought that. Thought that. He thought that was the other lion. He thought that was the other lion. Repeat. He thought that was the other lion. He thought that was the other lion. Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the other lion. The lion jumped into the well to attack the other lion. He never came out. He never came out. Came out. Came out. All of the other animals. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. So guys, that was the practice in English that we're doing here. This is reading that may help you improve your accent and reading. To get more and more, you can let us know in the comments if you want this series more, so we can produce the video number 2 the next day. Thank you very much for being with the English.